गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फाइव वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फाइव वीडियो में एक्सरसाइज 21.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 20। कह रहा है दीर्घ विद 9x² प्लस 16y² बराबर 144 के लिए दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता, नाभियों के निर्देशांक, शीर्ष और नियता का समीकरण निकालिए। तो चलिए हम लोग इन सबको निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास दीर्घ वृत्त का समीकरण दिया है। दीर्घ वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया है, 9x² प्लस 16y² बराबर में 144। 144 को भाग में लाओ तो हो जाएगा 9x² बाई 144 और प्लस 16y² बाई 144 बराबर में 1। ये देखो, इसको काटेंगे कितना बार में, 16 बार में, इसको काटेंगे 9 बार में, यानी आ जाएगा x² बाई 4 का स्क्वायर और प्लस y² बाई 3 का स्क्वायर बराबर 1। अतः दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष होगा तथा केंद्र मूल बिंदु है। मूल बिंदु होगा, यानी कि ए का मान 4 और बी का मान 3 आ गया। तो यहां से अगर सी निकालना होगा तो सी बराबर हो जाएगा √a² - b² यही ना हो जाएगा आपका। तो यहां से आप लोग निकाल दो सी का मान, तो आ जाएगा सी बराबर √4² - 3² 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7, √7 आ जाएगा। चलिए, सी का मान √7 आ गया। अब देखो एक एक करके, पहले हम लोग दीर्घ अक्ष की लंबाई निकालते हैं। दीर्घ अक्ष की लंबाई तो क्या होती है, 2a ना, यानी कि 2 × 4 8 हो जाएगा। अच्छा, लघु अक्ष की लंबाई तो लघु अक्ष की लंबाई होता है 2b, यानी कि 2 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया। अब क्या निकालना है, तो अब उत्केंद्रता निकालना था e, उत्केंद्रता बराबर होता है c/a, तो c का मान √7 और a का मान आपका आ गया 4। फिर हमें क्या निकालना है, तो फिर हमसे पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, आपका क्या दिया है, नाभि, तो x अक्ष पर है दीर्घ अक्ष और मूल बिंदु से जब जा रहा है, तो नाभि आप a, 0 ना, ±a, 0 यानी कि ±c, 7√7, 0 ±√7, 0। अच्छा, और शीर्ष की बात करें तो शीर्ष होता है ±a, 0 तो ±4, 0। ठीक है। अच्छा, अब नियता का समीकरण निकलता है। नियता का समीकरण तो x बराबर क्या होता है, ±a/e, यानी कि हो जाएगा यहां से x = ±a, 4 यहां लिख देते हैं वैल्यू 4 और e का मान है √7/4, 4 ऊपर चला जाएगा 16 हो जाएगा ना, यानी कि x = ±16/√7, ये नियता का समीकरण आ गया, सब कुछ निकल गया। अच्छा, अगर इसमें कह देता कि नाभि लंब निकालिए, तो आपको पता है 2b² / a लगा देना है, आसानी से निकल जाएगा कि नहीं, चलिए समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन आप सारे बना लोगे आसानी से। अगला भी क्वेश्चन नंबर 21 भी 22 भी यही है, और ये आपको याद रखना होगा। देखिए, x² / a² और y² / b², इसको क्यों ले रहा है, क्योंकि a बड़ा होता है ना हमेशा b से, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग ये लिए कि x अक्ष पे है। यहाँ अगर छोटा रहता ना, यहाँ 3 का स्क्वायर रहता है, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो यह y अक्ष पे होता, समझ रहे ना। तो वो सारे कंसेप्ट आपको याद रखना होंगे, तभी इसमें आप क्वेश्चन बना पाओगे। चलिए अगला